कोरोना काल है, लेकिन यूनिवर्सिटीज की जो परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं। इसी तरह एमडीयू यूनिवर्सिटी भी परीक्षाएं जुलाई अगस्त में ले रही है। तो अब एक डेट शीट आई थी एमडीयू की ओर से, वो आपको जो अपडेट नहीं मिली है तो जाकर वीडियो चैनल पर देख लेना, मैंने बताया है उसमें कौन सी डेट शीट आ चुकी है अभी तक। ठीक है, तो अब देखिए एडमिट कार्ड भी जारी करने शुरू कर दिए हैं एमडीयू यूनिवर्सिटी ने। तो अब की बात जो है डिस्टेंस के एडमिट कार्ड आए हैं। बीए और बीकॉम के मैंने बताया था कि जो फ्रेश स्टूडेंट हैं उनके एडमिट कार्ड पहले ही आ चुके हैं, लेकिन अब जो है एमडीयू यूनिवर्सिटी ने एक और अपडेट दे दी है इसमें कि यहाँ पे देखिए जो रीअपेयर और इम्प्रूवमेंट के जो छात्र हैं बीए और बीकॉम फाइनल ईयर एनुअल स्कीम जुलाई 2021 सेशन में, ठीक है, तो इनके भी एडमिट कार्ड अब आ गए हैं। जो एनुअल स्कीम वही है जिसमें कि सिर्फ साल में एक बार एग्जाम होता है, लेकिन अब जो नया सिस्टम लागू किया है एमडीयू ने उसमें आपको पता होगा कि सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है। तो ये जो एडमिट कार्ड है वो उनके लिए हैं जिसमें जो साल में एक बार पेपर होते हैं, ठीक है, यानी एनुअल स्कीम। तो उनके बीए और बीकॉम के फाइनल ईयर के ये एडमिट कार्ड आ गए हैं रीपेयर और इम्प्रूवमेंट के। तो लिंक है ये, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए सिंपल, इसमें आपने ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे भर देना है। वो ये सर्च का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक कर लेना तो यहाँ पे आपके जो है सारी डिटेल्स दिखा देंगे। आपके नाम से अगर कोई और भी कैंडिडेट है तो वो भी आएंगे, और उसमें आपने फादर नेम वगैरह सारी डिटेल आप चेक कर लेना, जो भी आपका वहाँ पे है आपकी जो डिटेल उस पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। तो ये है छोटी सी अपडेट, और इसी तरह की जो भी अपडेट आपको यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब से स्पेशली हरियाणा की, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और ये अपडेट पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि अगर उन्हें इस अपडेट के बारे अभी नहीं पता है तो वो भी इस अपडेट के बारे में जान सकें। धन्यवाद।